The equilibrium constant for the following reaction is this at टेम्परेचर दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। फाइंड इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 bar ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए सील्ड कंटेनर एट 1024 केल्विन। तो शुरू शुरू में इसका 10 bar प्रेशर है, रिएक्शन ये है। शुरू में इन दोनों का तो कोई प्रेशर था ही नहीं, सिर्फ HBr का प्रेशर था 10 bar। फिर रिएक्शन हो जाएगी तो अब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। कॉफिशियंट देखो 2 1 1 है, मतलब इसका अगर 2p, देखो जो हम मोल से कर सकते हैं वो प्रेशर से भी कर सकते हैं। हम मोल माइनस करते हैं ना, अगर मान लो इसके एक्स मोल रिएक्ट करके तो इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स बनेगा, ऐसे प्रेशर से भी कर सकते हो। क्योंकि पीवी क्या होता है, पी वी इक्वल टू nRT। अगर एक कंटेनर है उसका वॉल्यूम फिक्स है तो वी तो फिक्स हो जाएगा, टी फिक्स होता है, आर फिक्स होता है, तो प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल के ही प्रपोर्शनल होता है सील्ड कंटेनर में, तो आप प्रेशर को भी माइनस कर सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ इसका अगर 2p कम हो गया प्रेशर, अगर इसका 2p कम हो गया इन दोनों का pp बनेगा, क्योंकि यहाँ कॉफिशियंट 1 1, ठीक है। तो 10 - 2p बचेगा pp, आ गया बस। अब तो पूछा गया इसमें, हाँ इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, गैसेस का इक्विलिब्रियम प्रेशर, मतलब ये pp की वैल्यू पूछी है और इसकी 10 - 2p की वैल्यू पूछी है। अब बस kp लगा दो, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये होगा केपी, और उसकी वैल्यू गिवन है आपको, तो आ जाएगा इससे। हाँ अनरूट कर लो तो 10 - p/p इतना आ गया, इसको सॉल्व करके p आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ Br2 p bar के इक्वल है, इतने बार HBr है 10 - 2p इतना, ठीक है बात है। सिमिलर क्वेश्चन है ना, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर हो गया। तो हम यहाँ पे नई बात हमने क्या सीखी, जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन माइनस करते हैं, जैसे मोल्स माइनस करते हैं, वैसे गैसेस के लिए प्रेशर भी माइनस कर सकते हैं। देखो फिर है डाइहाइड्रोजन गैस यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेसेस प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विद हाई टेम्परेचर स्टीम। ओके द फर्स्ट ऑफ द टू स्टेज रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन द सेकेंड स्टेज कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेज रिएक्ट विद मोर स्टीम, ये रिएक्शन है। ओके ये रिएक्शन हो रही है। इफ अ रिएक्शन वेसल एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड इज चार्ज्ड विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड स्टीम। ओके कार्बन मोनोक्साइड और स्टीम का इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब मोल बराबर है उनके, वो एक बर्तन में डाल दिया आपने, ठीक है। एंड स्टीम सच दैट प्रेशर ऑफ CO एंड प्रेशर ऑफ H2O इज 4 bar। लो प्रेशर भी दे दिया, लो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। इन दोनों का प्रेशर कितना था, 4 bar। अगर आपने दोनों के मोल सेम रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के मोल सेम है, तो प्रेशर भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रेशर नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होता है सेम कंटेनर में, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है। वट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे H2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका KP दिया हुआ, ये कहानी तो जरूरत ही नहीं थी इसकी, इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये रिएक्शन दी हुई है आपको, इन दोनों का इनिशियल प्रेशर 4 4 bar दिया हुआ है। अगर ये P रिएक्ट करेगा तो इसका ये 0 है, P बनेगा ना PP। नहीं समझ में बात है, पी रिएक्ट करेगा तो 4 - p बचा, 4 - p बचा, पी पी बना। के पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय इन दोनों का पार्शियल प्रेशर, किसके इक्वल है, 10.1 के इक्वल है। अंडर रूट ले लो तो इससे पी आ जाएगा, हो गया बस। H2 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आ गया 3.04 bar, यही तो सॉल्व करना था। केपी इज 0.04 atm एट 899 केल्विन फॉर द इक्विलिब्रियम शोन बिलो, ये एक रिएक्शन है, इसका केपी गिवन है आपको 0.04। ओके व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ C2H6 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क एट 4 atm प्रेशर। 4 atm प्रेशर में आपने इथेन को रखा है और फिर इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे उसका प्रेशर कितना होगा, ये पूछा है, सेम क्वेश्चन फिर से।
टी इजिकल टू जीरो पे इसका प्रेशर 4 है, इन दोनों का कोई प्रेशर ही नहीं है। टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे अगर ये पी रिएक्ट करता है इसका प्रेशर, तो 4 - p बचेगा, इसका पी बनेगा, इसका पी बनेगा। तो के पी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, पी इंटू पी अपॉन 4 - p। के पी गिवन है आपको 0.04, यहाँ से पी सॉल्व कर लो, पी सॉल्व कर लो, पूछा उसने 4 - p है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इसका पूछा है, 4 - p पूछा है। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये अलग क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे ना, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू क्या होती है, हाँ x की वैल्यू कैसे निकालते हो, -b x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2, ऐसे निकलेगा x, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर लेना, तो दो वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है एक्स की, पी की नेगेटिव वैल्यू थोड़ी लेनी है, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना पी। चलो तो बस पी आ गया, तो 4 - p इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाएगा। थर्टीन पॉइंट एट ग्राम ऑफ N2O4 वॉज प्लेस्ड इन 1 लीटर रिएक्शन वेसल एट 400 केल्विन एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन है भाई, कि शुरू में इसके इतना ग्राम लिया गया है, ठीक है। तो इसके मोल पता है आपको शुरू में कितने लिए, देखो मोल निकालना पहले, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 13.8, इसका मोलर मास 92 आएगा, सॉल्व कर सकते हो ना मोलर मास इसका, नहीं कर सकते। हाँ तो इसके 0.15 मोल आपको शुरू में गिवन है। फिर क्या है, टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन, वॉल्यूम गिवन है, तो पहले तो प्रेशर निकाल लो, पी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो प्रेशर क्या आएगा, एनआरटी बाय वी, नंबर ऑफ मोल 0.15, आर की वैल्यू 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर 400 केल्विन, वॉल्यूम 1 लीटर, इतने बार प्रेशर। तो शुरू में इसका जो प्रेशर था वो इतने बार था, हमने वेट को बार में प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना बात। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वॉज फाउंड टू बी इतना, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इतना है, केसी और केपी की वैल्यू पूछी है, और पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हर स्पीशी का पार्शियल प्रेशर बताना है, केपी और केसी की वैल्यू बतानी है। तो करते हैं, टोटल प्रेशर गिवन है आपको, तो देखो कैसे करेंगे। गैसेस के केस में ना केपी के साथ डील करना आसान होता है, इसलिए मैंने इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया। तो N2O4 2NO2 में टूट गया, T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर इतने बार था, मान लो पी रिएक्ट कर गया, पी रिएक्ट कर गया तो 2P बना, ये तो एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना आएगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये आ गया, ये इतना है 9.15, क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रेशर इतना है, गिवन है ना क्वेश्चन में टोटल प्रेशर। तो P की वैल्यू आ गई, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, हो गया बस अब तो क्वेश्चन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है, 4.986 -p, इतना आ गया, और NO2 का कितना है, 2 × p, इतना आ गया, आ गया ना दोनों का पार्शियल प्रेशर। अब केपी क्या आएगा, केपी क्या आएगा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, वैल्यू पुट कर दो, केपी आ गया बस। अब केसी भी निकालना पड़ेगा, केपी और केसी में रिलेशन होता है, ये देखो केपी केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आर टी रेज़्ड पावर डेल्टा एन जी, कैसे आता है रिलेशन, केपी इक्वल टू केसी इनटू आर टी रेज़्ड पावर डेल्टा एन जी होता है ना फॉर्मूला। ये तो डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 2, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 1, तो 2 - 1 क्या आ गया, डेल्टा एन जी 1 आ गया डेल्टा एन जी। तो केपी क्या होता है, केसी इंटू आर टी रेज़्ड पावर डेल्टा एन जी, मतलब आर टी रेज़्ड पावर 1 आ गया। तो मतलब ये है ना, केसी इज इक्वल टू केपी इंटू आर टी रेज़्ड पावर माइनस डेल्टा एन जी हो जाएगा, इसको इधर ले गए तो बस डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 पुट कर दी, केपी आपने सॉल्व कर ही लिया था, आर की वैल्यू
0.0831 बार, टेम्परेचर 400 केल्विन, तो केसी इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया के पी इजिकल टू के सी इंटू आर टी एच बाय डेल्टा एम जी। ये मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो ए गैस, मान लो ए टाइम्स ए गैस प्लस बी टाइम्स बी गैस गिव्स सी टाइम्स सी गैस प्लस डी टाइम्स डी गैस, ये रिएक्शन है मान लो। तो इसका केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, यही होगा ना इसका केपी। इसका केसी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ओके। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम तो सारे कंटेनर का सेम ही है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंटू आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी नहीं हो जाएगा, सी आर टी। नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सी इंटू आर टी। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, के पी इधर लिखता हूँ। के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, इसकी पावर सी है ना उसके ऊपर, तो सी आ जाएगा आर टी की पावर सी। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पार डी इंटू आर टी रेस्ट पार डी, ठीक है ना, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट द पावर ए इंटू आर टी रेस्ट द पावर ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर बी इंटू आर टी रेस्ट द पावर बी, है ना। अब ये क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी डी रेस्ट पावर डी डिवाइड बाय ए रेस्ट पावर ए बी रेस्ट पावर बी इंटू आर टी की पावर। देखो आर टी की पावर सी प्लस डी, देखो ये सी प्लस डी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस होता है नीचे डिवाइड पे है तो माइनस ए प्लस बी, ऐसे होगा ना। तो अब ये क्या है? केसी है ये तो पूरा का पूरा, ये तो पूरा पूरा केसी है ना। अरे आर टी रेस्ट पर सी प्लस डी मतलब प्रोडक्ट के मोल, माइनस ए प्लस बी मतलब रिएक्टेंट के मोल, तो डेल्टा एन जी। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस्ट पर डेल्टा एन जी। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ था। ओके,